सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में दो कार बम विस्फोट हुए जिसमें कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई है। घटना शिक्षा मंत्रालय के बाहर की है। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख ने एक बयान में घटना की पुष्टि करते हुए 300 लोगों के घायल होने की बात की है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में बहुत बड़ा हादसा हो गया। शनिवार 29 अक्टूबर 2022 को हैलोवीन फेस्टिवल मनाने पहुंचे लोगों के बीच भगदड़ मच गई। इस हादसे में 151 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 19 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जबकि सैकड़ों घायलों का इलाज जारी है। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकितारे की फैक्ट्री में आग लग गई है। आग किन कारणों के चलते लगी है अभी इसका पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर रोजगार मेले को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के होनहार नौजवानों के लिए 20 अलग अलग जगहों पर 3000 युवाओं को सरकार में काम करने के लिए नियुक्त पत्र सौंपे जा रहे हैं। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों को साथ लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए।